las cosas se van a poner muy feas. Y yo no sé de quedarme quieta. Si más bien de liarme a tiros. Haciendo mucho ruido. Y esto es una declaración de guerra al sistema. Y nosotros somos la resistencia. आखिर टोक्यो के डेथ के बाद प्रोफेसर ने क्या प्रॉमिस किया था अपनी टीम से? ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है सीजन 5 वॉल्यूम 2 में? तो दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड नॉन इंग्लिश वेब सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में। मनी हाइस्ट के टोटल 4 सीजन लॉन्च किए गए थे और इसी साल सितंबर मंथ में सीरीज के 5th सीजन को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन रहा शो मेकर्स के लिए। लेकिन दोस्तों, सीजन 5 एक बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर पर एंड किया गया था, जहां एंडिंग में हमें पहली बार प्रोफेसर इनफील्ड नजर आए और साथ ही साथ मनी हाइस्ट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर टोक्यो, जो कि शो की नरेटर रह चुकी हैं, उनके कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। दोस्तों, मेकर्स का कहना है कि मनी हाइस्ट के सीजन 5 की वॉल्यूम 2, जो कि दिसंबर 3 से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगा, वो इस शो का फाइनल सीजन होगा। दोस्तों, बता दूं कि मेकर्स का कहना है कि मनी हाइस्ट का सीजन 5 की वॉल्यूम 2, जो कि दिसंबर 3 से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगा, वो इस शो का फाइनल सीजन होगा और उसके बाद ये शो कंप्लीट हो जाएगा। मनी हाइस्ट शो ने शुरू से ही अपने ऑडियंस को अपनी स्टोरी लाइन से कनेक्टेड रखा है, जिस वजह से उनके हर एक कैरेक्टर के साथ न सिर्फ शो के कैरेक्टर्स की बल्कि दोस्तों ऑडियंस की भी काफी अटैचमेंट रही है। जिस वजह से दोस्तों सीजन 4 में नरूपी की डेथ एंड सीजन 5 वॉल्यूम 1 में टोक्यो की डेथ ने ऑडियंस को काफी ज्यादा उदास भी किया था, तो वहीं सीरीज का थ्रिल और भी ज्यादा हाई हो गया कि आखिर टीम अपना बदला कैसे लेगी। टोक्यो की डेथ के बाद प्रोफेसर ने ये ऐलान कर दिया था कि अब वो अपने किसी भी और टीम मेंबर की जान नहीं जाने देंगे और सबको बिल्कुल सही सलामत वहां से निकालेंगे। और दोस्तों, उसी क्लिफ हैंगर पे सीरीज के 5th सीजन की वॉल्यूम 1 को एंड कर दिया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों, आर्ट्रो भी अभी जिंदा ही है और ऑडियंस अभी उस कैरेक्टर की डेथ का वेट कर रही है। अब दोस्तों, आपके मनी हाइस्ट वेब सीरीज के बारे में क्या विचार हैं, और आपके अकॉर्डिंग क्या प्रोफेसर खुद को और अपनी टीम को सही सलामत बचाकर बाहर ले जा सकेंगे या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक मिकी।